हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकी शबनम व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप लोग की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी एकदम ठीक हैं। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ मुंबई का फेमस मालपुआ यानी कि रमज़ानों का स्पेशल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि ये रेसिपी सिर्फ रमज़ानों में ही मुंबई में मिलता है। ऐसे बाकी दिनों में तो बहुत कम जगहों पे अवेलेबल होते हैं, लेकिन रमज़ानों में हर जगह पे अवेलेबल होता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ मालपुआ बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आने वाला है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मालपुआ बनाना। मालपुआ बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाशनी तैयार कर लेनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चाशनी बनाना। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, उसमें एक कप शक्कर ऐड किया है और एक कप से कम मैंने पानी लिया है। अभी हम इसे भी ऐड कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे। पानी हमें शक्कर से कम लेना है ताकि हमारी चाशनी जल्दी से तैयार हो जाए। तो ये देखिए, हमारी चाशनी तैयार हो गई है। तो अभी हम एक बाउल में इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसे ठंडा होने देंगे। तो जब तक चाशनी हमारी ठंडी हो रही है तो हम रबड़ी तैयार कर लेते हैं। रबड़ी तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध लिया है। अभी हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। यहाँ पे मैंने दूध की क्वांटिटी को बढ़ा दिया है, क्योंकि मुझे दूध कम लग रहा था तो मैं इसमें 1/2 लीटर गर्म किया हुआ दूध और ऐड करती हूँ। टोटल मैंने दूध यहाँ पे 1.5 लीटर लिया है। दूध हमारा बॉयल हो रहा है तो अभी हम शक्कर मेल्ट कर लेते हैं। आप चाहें तो शक्कर को ऐसे ही ऐड कर लें, लेकिन मैं यहाँ पे शक्कर मेल्ट करके ऐड करूँगी। मैंने जिस पैन में चाशनी तैयार किया था उसी पैन में मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप शक्कर, और अच्छे से इसे पूरे पैन में फैला देना है। अभी हम इसे मेल्ट होने देंगे और इसे अच्छे से चलाते रहेंगे। और ये देखिए, शक्कर हमारी मेल्ट हो रही है। रबड़ी में शक्कर मेल्ट किया हुआ ऐड करने से रबड़ी का कलर गोल्डन कलर हो जाता है। यहाँ पे पता नहीं कैसे मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, थोड़ी सी वीडियो शूट नहीं हो पाई और यहाँ पे शक्कर अच्छे से मेल्ट हो गई थी। तो अभी हम फ्लेम को लो कर देंगे और थोड़ा थोड़ा अभी हम इसमें शक्कर का मेल्ट किया हुआ ऐड कर देंगे। दूध में हमें थोड़ा थोड़ा ऐड करना है और यहाँ पर लो फ्लेम पर ऐड करना है, नहीं तो पूरा दूध ऊपर आ जाएगा। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा थोड़ा करके अभी पूरा ऐड कर दी हूँ और अच्छे से इसे मिला लेंगे। यहाँ पे हमें दूध को मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखना है और इसे चलाते रहना है ताकि पैन में दूध ना लग जाए। दूध में हल्का गाढ़ापन आ रहा है तो अभी हमें इसे और ऐसे चलाते रहना है और पकाते रहना है। तो ये देखिए, हमें रबड़ी में इतना ही गाढ़ापन चाहिए था। ठंडा होने के बाद और ये थिक हो जाएगा, इसके लिए हमें यही। तो रबड़ी हमारी बनके तैयार है, तो अभी हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट स्लाइसेस में कटे हुए और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को अभी हमें यहीं पे ऑफ कर देना है और इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है। स्लाइसेस में कटे हुए ड्राई फ्रूट हम थोड़े से ऐड कर देंगे इसके ऊपर। तो रबड़ी बनके हमारी तैयार है। तो अभी हमें मालपुआ बनाने के लिए उसका बैटर तैयार कर लेना है। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप मैदा, और जो हमने चाशनी तैयार किया था वो ठंडी हो गई है तो अभी हम इससे उसका बैटर तैयार कर लेंगे। तो मालपुए का बैटर हमेशा चाशनी से तैयार किया जाता है। चाशनी को हमने पूरा ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। दस मिनट हो गए हैं इसे फेंटते हुए, तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून फूड कलर, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, और अभी हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो देखिए इसका कलर कितना प्यारा आया है। तो अभी हम इसे एक साइड में रख देते हैं और एक बाउल में हम 2 अंडे ले लेते हैं। तो अंडों को अभी हमें अच्छे से फेंट लेना है
और यहाँ पे जो हमने बैटर तैयार किया था अंडों को हमें इसी बैटर में ऐड कर देना है और अभी हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैंने आधा कप खोया लिया है और इसे अच्छे से मसल लेंगे और अभी हमें खोया को भी इसी बैटर में ऐड कर देना है और अच्छे से इसे फेंट लेना है ताकि इसके जितने भी गांठ हैं एकदम मिक्स हो जाएं। पंद्रह से बीस मिनट हो गए हैं हमें इसे फेंटते हुए, तो ये देखिए अभी इसमें कोई गांठ नहीं है, सब एकदम अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अभी हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट फाइन चॉप किए हुए ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए बैटर हमारा बनके तैयार है, तो जैसा मुझे बैटर चाहिए था वैसा बनके तैयार हो गया है। तो अभी हम इसमें लिड लगा के एक से दो घंटे तक रख देंगे साइड में। दो घंटे हो गए हैं तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ऑयल गरम करने के लिए रख देती हूँ। मैंने यहाँ पे एक लीटर ऑयल लिया और इसे गरम होने के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख दिया है। तो अभी हमारा बैटर भी सेट हो गया है, तो अभी हमें दो अंडे लेना है और इसे अच्छे से फेंट के बैटर में ऐड कर देना है। यहाँ पे हमने चार अंडों का इस्तेमाल किया है लेकिन दो अंडे हमें पहले ऐड करना है और दो अंडे हमें बाद में ऐड करना है। तो अभी हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। बैटर हमें थोड़ा सा थिक लग रहा है तो अभी हम इसमें दो टेबल स्पून के करीब दूध ऐड करेंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो अभी हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है तो अभी हमें यहाँ पे एक मालपुआ जितने बैटर का बनाना है, तो हमें इतना बैटर एक बाउल में ले लेना है। तो मैंने यहाँ पे बैटर ले लिया है। यहाँ पे हमें ये ख्याल रखना है कि तेल हमारा हल्का गर्म हो, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए नहीं तो तेल में पूरा ये फैल जाएगा। यहाँ पे मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे ऑयल को रख दिया है। ऑयल हमारा हल्का गर्म है तो अभी हम इसमें बैटर ऐड कर देंगे। तो ये देखिए मैंने बैटर ऐड कर दिया है, अभी हम इसे सेट होने देंगे। तो अभी एक साइड का कलर चेंज हो गया है तो अभी हम इसे एक बार पलट लेते हैं। एहतियातन हमें इसे पलटना है और इसका कलर चेंज होने तक हमें दूसरी साइड भी इसे ऐसे ही पकाना है। तो इसका दोनों साइड अच्छे से पक गया है, नीचे भी अच्छा कलर आ गया है, तो अभी हम इसे निकाल लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा मालपुआ बनके हमारा तैयार हुआ है। तो जितना बैटर हमारा है तो चलिए हम सभी का मालपुआ बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए इसे भी हम ऐसे ही ऐड कर देंगे। तो अभी हमें सेम प्रोसेस करना है, मेरे बताए गए हुए मेथड को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका मालपुआ आउटस्टैंडिंग बन के तैयार होगा। आप खुद यकीन नहीं करेंगे कि इसे आपने घर में बनाया है या आपने बाहर से मंगाया है। तो अभी हम इसे भी पलट देते हैं। इसी मेथड से बनाएंगे तो आपका मालपुआ बहुत ही लाजवाब बनके तैयार होगा। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, यकीन मानिए आप बार बार बनाना चाहेंगे, आपको बार बार खाने का मन करेगा। आप अगर एक बार इसे घर पे बनाएंगे तो आप बाहर से मंगाना भूल जाएंगे। बहुत टेस्टी बनके तैयार हुआ है ये मालपुआ, बस एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपका मालपुआ कैसे बनके तैयार हुआ। Thank you.
तो यहाँ पे मालपुआ का कलर चेंज हो गया है, तो अभी हम इसे निकाल लेते हैं। तो ये देखिए मालपुआ बनके हमारा तैयार है। तो अभी हम इसके ऊपर रबड़ी फैला देते हैं अच्छे से। यहाँ पे अगर आपके पास मिल्क मेड है तो आप इसे भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, बट मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसके लिए मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। तो अभी हम इसे अच्छे से फोल्ड कर देंगे और इसमें ऐसा कट लगा देंगे। ये देखिए इसका कोई जवाब नहीं है, लाजवाब बनके तैयार हुआ है। इसका टेस्ट आउटस्टैंडिंग था। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आने वाला है। आने वाले रमज़ानों में इफ्तार में आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। सहरी में भी बना सकते हैं, इसे कभी भी बना सकते हैं, रमज़ान के बाद भी इसे बना सकते हैं, खा सकते हैं। इससे पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता है, पर ये बहुत ही लाजवाब बनके तैयार हुआ है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।